तो सबसे पहले ना सभी को जय श्री राम अभी ना मैं बात करने वाला हूँ ट्रेलर के बारे में गणपत के जिसमें हमको टाइगर श्रॉफ कृति सेनन के साथ साथ अमिताभ बच्चन सर भी देखने को मिले हैं अभी ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द और बेलाइकन पर ना क्लिक कर लेना तो बात करते हैं ट्रेलर के बारे में अगर मैं ट्रेलर की लेंथ की बात करूँ तो दो मिनट अट्ठाईस सेकेंड के आसपास का जो ट्रेलर है वो हमको देखने को मिला है पूजा एंटरटेनमेंट की ना काफ़ी ज़्यादा मूवियाँ आ चुकी है लेकिन जो लास्ट हिट फिल्म थी ना जो मतलब वो ना वो एक होती है ना अच्छी मूवी वो 2001 के आसपास आई थी उसके बाद में कुछ खास ना मूवियाँ इनकी कमाल नहीं कर पाई हैं अगर आप इनका ट्रेलर देखते हो ट्रेलर में वैसे तो उन्होंने जो मूवी का जो उन्होंने अपना जो होता है ना स्टोरी लाइन वगैरह उस पर फोकस करते हुए उन्होंने दिखाया वैसे तो साईफाई और इनका वी एफ वाला जो फंडा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का ये दिखाना चाहते हैं और कुछ ना अलग हटकर करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में ना ये वही ना अभी भी हीरोपंती हीरोपंती टू और बागी वगैरह पे ना अटके हुए हैं बस ये ना दिखाना चाहते हैं कि टाइगर हर साल ना दो फिट और ऊंचा उछल सकता है और भाई साहब एक ना शॉट है इसमें जब ना टाइगर श्रॉफ एक बार ना घूम के एक बंदे को लात मारता है और वो ना चार बार मारता है अब ये देखो ना जब तक चौथी बार लात नहीं लगती है उसको वो बंदा गिरता नहीं है लिटरली वो वेट कर रहा है जब तक चौथी लात नहीं लगेगी तब तक मैं गिरूंगा नहीं उसके बाद अमिताभ बच्चन सर वाला जो लुक है उसमें भी काफ़ी सारी कमियाँ हैं उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो वो ही ना दिखने वाला है घूम फिर के बस सी के नाम पर आपका ना चूतिया काटा जाएगा मैं बोल रहा हूँ अगर ये मूवी रिलीज नहीं होती तो चार सौ करोड़ के आसपास आसानी से ना बच जाएगा ऑडियंस का ये तो पक्का तय है अगर बात करते हैं आप टाइगर श्रॉफ की तो ठीक है एक्शन सिक्वेंसिस के मामले में काफ़ी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार ना वही करो वैसे तो आप ना एक नया न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो लेकिन फिर भी आपको दिखाना वही है जो आप दिखाना चाहते हो ऑडियंस भी ना थक के बोल रही है और उन्होंने ना इनकी जो मूवी है अभी अभी फ्लॉप भी हुई है लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है इनको ना बस वही करना है जो कि ये अभी तक करते आए हैं और अगर देखा जाए ना तो मूवी टाइगर श्रॉफ के हिसाब से नहीं बनती है मतलब मूवी के हिसाब से टाइगर श्रॉफ नहीं चलते टाइगर श्रॉफ के हिसाब से मूवी चलती है ऐसा लगता है देखने में वही अपना जंपिंग जैब वाला सिस्टम उसके बाद में डांस मूव वही सेम सेम एक डांस मूव है जो कि यहाँ पर मैच कर रहा है जजज शिव शंकर का एक डांस मूव है लास्ट वाला उससे उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ श्रद्धा कपूर की तो भाई सॉरी कृति सेनन की तो कृति सेनन का जो फंडा भाई साहब अलग ही लेवल का चल रहा है बस अगर पोटेंशियल लगा थोड़ा सा तो अमिताभ बच्चन सर की आवाज़ में यार आप ना यार एक ऐसी मूवी बना रहे हो जिसको देखने के बाद ना फील आए तो उस तरीके का मेकअप मेकअप होना चाहिए कॉस्ट्यूम वगैरह वैसे होने चाहिए अमिताभ बच्चन सर का जो कॉस्ट्यूम है वो ओब्बियसली वो अच्छा है लेकिन अगर मैं टाइगर श्रॉफ की बात करूँ तो मेरे को भरा नहीं ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है आपका ओपिनियन क्या है पर्सनली कमेंट करके बता सकते हो अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में तो रही मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हो तब तक के लिए बाय